जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल होलमार्क, गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, हमाशामा गांधी चौक सुजानगढ़। वैशाली साड़ी, सगाई, शादी, त्योहार, सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ी, घंटाघर के पास सुजानगढ़। की घर भी हो गरीब को और कुटिया की रक्षा हो, घर भी हो गरीब को और कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते हुए किसान के खटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते हुए किसान के खटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना कि बिटिया की रक्षा हो, दबाया का था क्या धर्म की रक्षा हो, ईशो बटन दबाया का था क्या देश की रक्षा हो, और ईशो बटन दबाया का था क्या कन्हैया जी की जमीन जायदाद ने बात थांकी रे से कहे तो ईशो ही बटन दबाया। भारत माता की, भारत माता की, जोरदार समर्थन करके एक बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया, कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया, जो उजाड़ता रहा मेहंदी मांग रोलियां, जो नकारता रहा देश के विधान को, थूकने की चीज मानता था संविधान को, ऐसे यासर मलिक और अफजल गुरु को उन्होंने सुरक्षा और प्रदान की, उनकी सिक्योरिटी की, ऐसे लोगों की हिमायत की कांग्रेस ने की। तो मित्रों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए तू चल माया की राजनीति कर रही थी। अभी मैं जोरदार तालियों से हमारी MLA प्रत्याशी संतोष जी मेघवाल का आप सबकी तालियों से स्वागत चाहूंगा, जोरदार तालियों। इस सरकार को जनता की कोई परवाह नहीं, सिर्फ सचिन जी को परवाह थी कि मैं CM बन जाऊं, और गहलोत साहब को परवाह थी कि मैं बना रह जाऊं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हेमंत शर्मा मिश्रा जिंदाबाद। संतोष मेघवाल जिंदाबाद। आवाज जोर से आनी चाहिए, आपकी आवाज में दम होना चाहिए, तभी हम सुजानगढ़ का परिवर्तन करेंगे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सबके बीच में हमारे मुख्य अतिथि बनके हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए आसाम के मुख्यमंत्री सम्मानीय हेमंत जी बिस्वा जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, मैं आपसे एक ही निवेदन करती हूँ, आज का ये ऐलान सुजानगढ़ में परिवर्तन करने का ऐलान है। सुजानगढ़ में कांग्रेस के कुशासन का अंत करने का समय है। आपको मौका मिला है 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके कमल के फूल को खिलाना है, क्योंकि आप सबका वादा है कि सुजानगढ़ को जिला बनाना है। बनाना कि नहीं बनाना, बनाना है तो आपका परिवर्तन करना होगा, और एक ही यहां से आप वादा करके जाओ, ज्यादा से ज्यादा वोट पोल होने चाहिए, एक भी वोट घर में न बचे, इस बात का ध्यान रखें। आप सभी यहां पधारे, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं बेटी बन के आपके बीच में आई हूं, तो आपने जो चुनरी उठाई है उस चुनरी का लाज रखना है। आपने इतना सम्मान दिया, इतना मान दिया, आपका हृदय से अभिनंदन करती हूं। जय श्री श्याम। बिस्वा जिंदाबाद। हेमंत जी बिस्वा जिंदाबाद। जय जय श्री राम। आप लोग सब ठीक है ना, एकदम खुश है तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, संतोष मेघवाल। सभा में विराजमान हमारे उम्मीदवार श्रीमती संतोष मेघवाल जी,
धर्मवीर पुजारी जी, विजय सोहान जी, गणेश मंडोरियाई जी, नारायण प्रजापत जी, मनोज शर्मा जी, प्रभु सिंह जी, हमारे नेतागण, भाइयों बहनों, माता और पिताओं, आप लोग सब जानते हैं 5 बजे सुनाओ का प्रसार समाप्त होने वाला है और मुझको चित्तौड़गढ़ में जाके लास्ट सभा करना है, इसीलिए मैं ज्यादा समय यहाँ बिताने नहीं पाया, लेकिन मैं हर साल एक बार बालाजी का दर्शन में आने का हमेशा कोशिश करता हूँ, तो इसीलिए मेरा आना जाना होते ही रहेगा और अगले बार जब आऊंगा तो एक साथ खाना खाने का भी कोशिश करूंगा। भाइयों और बहनों, सुनाव भी है और हमें राजस्थान को भी आगे लेके जाना है। मैंने राजस्थान का कोने कोने मेरा जाने का इस बार सौभाग्य हुआ और मैंने हर जगह जाने का बाद मैं एक बार आज गारंटी से बोल सकता हूँ, राजस्थान में इस बार बीजेपी का सरकार भी बनेगा और 140 सीट पार करके हमें बीजेपी का सरकार बनाना है और साथ साथ में सुजानगढ़ से भी बीजेपी को जिताना है। जिताना है कि नहीं? भाई और बहनों, जब अशोक गहलोत जी ने सरकार बनाया था, हमें बोला था कि किसानों का लोन माफ हो जाएगा। किसी का लोन माफ हुआ है क्या? माफ हुआ है क्या? फिर क्या बताया था कि सारे बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा। मिला क्या? मिला क्या? किसी को नौकरी मिला? 19 बार क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है, किसी का हाथ में नौकरी नहीं मिला। सरकार हम किस लिए बनाया था? जब सरकार ने कुछ काम नहीं कर पाया तो अशोक गहलोत जी क्या बोलते हैं कि सचिन पायलट निकम्मा है, बोलते हैं ना? तो सचिन पायलट बोलते हैं अशोक गहलोत निकम्मा है। अभी निकम्मा कौन है उनका कंपटीशन शुरू हो गया है कि सबसे बड़ा निकम्मा कौन है। लेकिन भाइयों बहनों, हमारा तो थोड़ा मालूम है, ये देश में सबसे बड़ा निकम्मा है तो राहुल गांधी सबसे बड़ा निकम्मा है, उनसे ज्यादा कोई निकम्मा नहीं है। अभी आके राजस्थान में बोल रहे हैं मैं 7 गारंटी दे रहा हूं। अरे भाई, आप तो 7 गारंटी दे रहा है, लेकिन पहले का गारंटी आपने पूरा किया क्या है? आपने पहले का गारंटी भी पूरा नहीं किया, अभी बोल रहे हैं मैं दोबारा गारंटी दे रहा हूं। भैया राहुल जी, आप तो गारंटी दे रहा है, लेकिन आपका गारंटी कौन लेगा ये हमें बता के जाइए। आपका माँ क्या आपका गारंटी ले सकता है? अभी अभी आपको मालूम है रामलाला का मंदिर बनने वाला है 22 जनवरी को, है कि नहीं? लोग जा रहा है रामलाला का मंदिर दर्शन करने और राहुल गांधी जा रहा है उज्बेकिस्तान, जहां से बाबर का जन्म हुआ था वहां जा रहा है राहुल जी। लोग जा रहा है राम जन्मभूमि देखने और राहुल गांधी जा रहा है बाबर का जन्मभूमि देखने के लिए। भाइयों और बहनों, ये राम मंदिर क्या जवाहरलाल नेहरू बना नहीं सकता था? क्या इंदिरा गांधी नहीं बना सकता था? क्या राजीव गांधी नहीं बना सकता था? वो लोगों ने क्यों नहीं बनाया? किस लिए? राम मंदिर बनने से बाबर और औरंगजेब नाराज हो जाएगा। भाई और बहनों, हमें 75 साल इंतजार करने पड़ा, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बना, भव्य राम मंदिर आज बन रहा है,
कोई बाबर और औरंगजेब को हल्ला करने का हिम्मत भी नहीं हुआ। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाना चाहिए सबने बोला, लेकिन कांग्रेस ने हटाया नहीं। क्यों हटाया नहीं? बोले नहीं, देश में हल्ला हो जाएगा। अरे हल्ला करने वाला कौन है? बोलते हैं ये बाबर और औरंगजेब लोग हैं। अमित शाह ने बोला ठीक है, देखा जाएगा, बाबर औरंगजेब को 370 धारा हटा दो, जो होगा देखा जाएगा। कोई हल्ला हुआ? किसी का हिम्मत हुआ? आज आप लोग देखिए, गहलोत जी का सरकार बने, कन्हैया लाल जी का सरतन जुदा हो गया। आप लोगों ने पहले सुना था ये सरतन जुदा वाला सब? कभी सुने थे? भारत में हम लोग जय श्री राम का नारा सुनते हो, जय बालाजी का जयकारा हम लोग सुनते हो, लेकिन कभी सरतन जुदा का शब्द हमने सुना था क्या पहले? गहलोत जी का सरकार का दिन में कन्हैया लाल जी का सरतन जुदा होते हैं। और देखो हिम्मत भैया, फेसबुक में लाइव करते हैं, जैसे देश में कोई शासन नहीं है। कितना हिम्मत हो गया? अगर ये काम किसी का हिम्मत होते थे सरतन जुदा का काम आसाम में करने के लिए, मैं 5 मिनट में उनका हिसाब भी कर देते थे। उधर सरतन जुदा और 5 मिनट में हिसाब खलास, झमेला खत्म। देश को ऐसा शासन चाहिए। भाई और बहनों, मैं जब असम का मुख्यमंत्री बना, मेरा पास एक फाइल आया कि मद्रासा शिक्षकों को सैलरी देना है। मैंने वो अधिकारी को पूछा कि आपका बेटा बेटी मद्रासा में पढ़ते हैं क्या? बोले साहब नहीं पढ़ते। कहाँ पढ़ता है? बोले डॉन बॉस्को में पढ़ता है। डॉन बॉस्को में पढ़ने से क्या होता है? डॉक्टर बनते हैं। मद्रासा में क्या पढ़ने से क्या होते हैं? बोले साहब मुल्ला बनते हैं। अभी आप बताइए, मुल्ला बनाने का ठेका कि मैंने लेके रखा हूं, हम लोग लेके रखा हूं क्या मुल्ला बनाने का ठेका? तो मैंने अधिकारी को बोला, देखो ये दुकान आज ही से बंद कर दो, हमें मद्रासा चलाना नहीं है। बोले साहब हल्ला हो जाएगा। मैं बोला मजा आएगा, हल्ला होगा तो बहुत मजा आएगा, लेकिन मद्रासा भी बंद हो गया, हल्ला करने वाला बाबर औरंगजेब मुझको दिखाई भी नहीं दिया। मतलब क्या है? ये बाबर औरंगजेब कहां निकलता है? जहां कांग्रेस का शासन होता है, जहां बीजेपी का शासन होते हैं, बाबर औरंगजेब अंडरग्राउंड हो जाते हैं। भाई और बहन, कल से आप राजस्थान में बीजेपी का सरकार आने दीजिए, बाबर औरंगजेब लोग चुपचाप चुपचाप आप लोगों का, भाई साहब क्या है बताइए, आप ठीक है ना, मैं ठीक हूं ना। और जब कांग्रेस का सरकार आता है, सरतन जुदा करने का हिम्मत हो जाता है। भाई और बहनों, मुंबई में कसाब में हमला किया, भारत ने क्या बोला? हम बोला पाकिस्तान को हमला करो, भारत ने क्या बोला? नहीं नहीं, हम पाकिस्तान में हमला नहीं करूंगा, हम यूएनओ जाएगा। अरे यूएनओ में तुम्हारे जीजाजी बैठा है क्या? यूएनओ में तुम्हारा जीजाजी बैठा है क्या? फिर पार्लियामेंट में अटैक हुआ, सीआरपी लोगों ने शहीद हुआ, और शहीद परिवार को गहलोत जी ने जो किया है वो अलग किस्सा है, लेकिन पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ उसका बाद हम बोला चलो पाकिस्तान को हमला करो। नहीं नहीं, पाकिस्तान में न्यूक्लियर है। अरे बाबा,
न्यूक्लियर है, मतलब भारत में वो लोग हमला करते रहेगा क्या? मोदी जी आए, पाकिस्तान को लगा कि अभी भी कांग्रेस का ही सरकार है। मोदी जी का दिन में यहाँ में आतंक का काम शुरू हुआ, मोदी जी ने जाके पाकिस्तान में धमाका लगा दिया। और आज देश में कोई आतंकवादियों को आप देखते हैं क्या? जयपुर में ब्लास्ट होता है क्या? दिल्ली में ब्लास्ट होता है क्या? मुंबई में ब्लास्ट होता है क्या? भाइयों और बहनों, कांग्रेस होने से ये कसाब लोग पैदा होते हैं। और जब बीजेपी का शासन होते हैं ना, ये बाबर और औरंगजेब लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं, दिखाई भी नहीं देते। आज आप देखिए, असम में बीजेपी सरकार मद्रासा बंद कर रहा है और अशोक गहलोत जी ने 7,000 मद्रासा खोलने के लिए जमीन दे चुका है। अगर राजस्थान में 7,000 मद्रासा होते हैं, हर मद्रासा से सालों में 50 मुल्ला भी बनता है, कितना मुल्ला हो जाएगा? 3,500 मुल्ला, 35,000 मुल्ला बनेगा। 50 साल में कितना मुल्ला बनेगा? आज क्या मुल्ला बनाने का ठीका हम लोग ने लेके रखा हूं क्या? बीजेपी सरकार आने से किसी को जमीन नहीं मिलेगा। आज आप देखिए, सुजानगढ़ में राम मंदिर में भी बुलडोजर चल जाते हैं। आज हमारा असम में बांग्लादेशी का ऊपर बुलडोजर चलता है और यहाँ में राम मंदिर में बुलडोजर चलता है। आपने फर्क देखिए भाई और बहनों। आज गहलोत का सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। आप लोग असम कितना लोग गया है कभी? आप लोग गया है ना? मैंने गामसा देख रहा होता इसलिए मैंने पूछा। असम राजस्थान से कितना छोटा है? छोटे प्रदेश है। राजस्थान 4 गुना बड़ा प्रदेश है। असम का सालाना आय कितना होता है? 5 लाख करोड़। और राजस्थान का सालाना आय कितना होता है? 16 लाख करोड़। दिल्ली से राजस्थान नजदीक होते हैं, असम 3,000 किलोमीटर दूर होते हैं। तो पेट्रोल का दाम असम में ज्यादा होना चाहिए कि राजस्थान में? असम में होना चाहिए ना, दूर है, छोटे प्रदेश है। लेकिन आप बताइए, राजस्थान में पेट्रोल का कीमत कितना है? 109 से 110 रुपया। मैं ठीक बोल रहा हूं ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? तो आपका अंदाज में गुवाहाटी में पेट्रोल का भाव कितना है? आप देखिए, गुवाहाटी में आपको पेट्रोल मिलेगा 97-98 रुपया। और गहलोत सरकार का समय राजस्थान में पेट्रोल का भाव है 108 रुपया। डीजल का भाव असम से 4 रुपया ज्यादा है और इलेक्ट्रिसिटी का भाव भी असम से 1 रुपया प्रति यूनिट ज्यादा है। मतलब आज आप लोग का जेब कौन काट रहा है? आज जेब कौन काट रहा है? कांग्रेस को वोट देने का मतलब डेली गाड़ी में 10 लीटर हम लोग पेट्रोल डालता हूं ना, 100 रुपया टैक्स देना कांग्रेस को वोट देने का मतलब होते हैं। आज आप कांग्रेस सरकार को देखो, कुछ नहीं कर रहा है। पेट्रोल का भाव भी राजस्थान में ज्यादा है, डीजल का भाव भी राजस्थान में ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी करंट का बिल भी राजस्थान में ज्यादा देना पड़ता है, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा, हरियाणा से भी ज्यादा, गोवा से भी ज्यादा, उत्तराखंड से भी ज्यादा। बीजेपी शासित प्रदेश में पेट्रोल 97-98 रुपया में मिलता है और कांग्रेस शासित प्रदेश में 110 रुपया तक पेट्रोल का भाव होते हैं। और गहलोत जी बोलते हैं राजस्थान का सरकार को देश देखते हैं।
अरे भैया राजस्थान को देश देखते हैं, ये वीरों का भूमि है, लेकिन गहलोत जी आपका तुष्टीकरण का राजनीति का कारण आज राजस्थान में सरतन जुदा जैसा काम हो रहा है, आप इसको नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। अभी सुबह सुबह क्या बोला कि मोदी गुजराती है, मोदी राजस्थान में क्यों आते हैं? सुबह सुबह गहलोत जी ने बोला, अरे भैया राजस्थान का लोग देश में जाते हैं, देश को जोड़ता है। हमारा असम में भी पहला कॉलेज राजस्थान का लोगों का जमीन से ही बना है, और ये असम का बात नहीं, देश का कोने कोने में जाके राजस्थानी समाज ने स्कूल बनाया है, हॉस्पिटल बनाया है, भारत माँ को आगे बढ़ाने का काम किया है। राजस्थान देश को जोड़ता है, राजस्थान गुजराती राजस्थानी असामिया का राजनीति नहीं करता है, राजस्थान भारत माँ का पूजा करता है, ये वीरों का भूमि है। गहलोत जी आप नरेंद्र मोदी को साहे गुजराती बोलिए, लेकिन नरेंद्र मोदी राजस्थानी लोगों का दिलों में बैठता है, सारे लोगों का दिलों में नरेंद्र मोदी होते हैं। भाई और बहनों, आज नरेंद्र मोदी जी नहीं होने से क्या राम मंदिर बनते थे? क्या राम मंदिर बनते थे? आज आप देखिए काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर किसी ने बनाने के लिए नहीं सोचा, कामाख्या कॉरिडोर किसी ने नहीं सोचा। आज हमारा एक हिंदू का भारत का एक गौरवमय स्वर्णिम क्षण आज मोदी जी के लिए हम देख रहा है। आज मुझको बोलता है अशोक गहलोत जी ये हिमंत हिंदू का राजनीति करते हैं। अरे भैया मैं हिंदू का राजनीति भारत में नहीं करके मैं क्या पाकिस्तान में जाके हिंदू का राजनीति करो क्या? मैं क्या पाकिस्तान में जाके हिंदू का राजनीति करो? जब आप लोग कर्नाटक में मुसलमान को 12% आरक्षण देता है, वो क्या तुष्टीकरण का राजनीति नहीं है? आज तेलंगाना में आप बोल रहा है कि मैं 12% रिजर्वेशन दूंगा, वो क्या तुष्टीकरण का राजनीति नहीं है? हम तो कभी नहीं बोलता हूँ हिंदू को आरक्षण दो, हम बोलता हूँ एसटी को आरक्षण दो, एससी को आरक्षण दो, ओबीसी को आरक्षण दो, हम तो कभी नहीं बोलता हूँ। लेकिन आज कांग्रेस पूरा देश में मुसलमानों का आरक्षण भी खोल दिया है, और अभी बोल रहा है कि बीजेपी हिंदू का राजनीति करते हैं। अगर बीजेपी नहीं होते थे ना तो ये देश में बाबर और औरंगजेब भी सलाता था, और देश में सनातन कब को खत्म कर देता था। हर दिन स्टालिन बोलते हैं कि सनातन को खत्म करो, खड़गे जी बोलता है सनातन को खत्म करो, लेकिन मैं कांग्रेसियों आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, ये देश सनातन ने बनाया, और जब तक शान और सुरुज रहेगा ये देश में सनातन रहेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये बात आप सुन लो। भाई और बहनों, मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? बनाना है कि नहीं? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अगर मोदी जी का सरकार बन जाते हैं ना, इस बार देश में 700 सीट पार करके नरेंद्र मोदी हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा। कोई कुछ नहीं कर सकता है, जनता जनार्दन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा 700 सीट पार करके। भाई और बहनों, हमें बनाना है ना राजस्थान में बीजेपी का सरकार, कब बनेगा? जब सुजान घर ने घर में आप मेरा बहन संतोष मेघवाल जी को आप लोग जिता देगा। जिताएगा कि नहीं जिताएगा? जिताना है ना,
ये देश में सनातन को रक्षा करने के लिए, भारत माँ को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और उसका शुरुआत सुजानगढ़ राजस्थान का भव्य विजय से, इस विजय का शुरुआत होगा। भाई और बहनों, संतोष बहन ने सारे आप लोगों का आशीर्वाद लिया, बुजुर्ग का आशीर्वाद लिया, आप लोगों का प्यार मांगा। आप लोग सुबह कृपा करके जल्दी कमल उठ के कमल साहब में वोट दीजिए, उसका बात खाना। पहले वोट डन, बाद में जलपान, ठीक है? पहले वोट देना है हमें, कमल साहब को दबा दबा के पूरा हिला देना है, पूरा कमल साहब। एक एक कमल साहब में जो वोट होते हैं ना, ये वोट मोदी जी के लिए आशीर्वाद बन जाते हैं, ये नरेंद्र मोदी के लिए आशीर्वाद बन जाते हैं, और पाकिस्तान जैसा देशों के लिए अभिशाप बन जाते हैं, है ना भाई और बहनों? आज आप देखिए, हमारा इज़राइल में हमास ने बेटियों को किडनैप किया, बुजुर्ग को किडनैप किया, कोई कांग्रेसी उन्हें हमास को कंडेम किया है? कभी राहुल गांधी हमास का खिलाफ एक शब्द बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं। जहां में भी तुष्टिकरण का बात आते हैं, वो लोग कुछ नहीं बोलते। भाई और बहनों, हमें 100 रुपया का नीचे पेट्रोल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें गैस सिलेंडर 450 रुपया में चाहिए, 450 रुपया में गैस सिलेंडर हमें चाहिए, और हमारा युवाओं को बिना पेपर लीक सरकार में नौकरी होना चाहिए। 2 लाख नौकरी बीजेपी सरकार देने का काम करेगा, और कोई भी पेपर लीक करने का हिम्मत करेगा, उनका जगह जेल के अंदर होगा, वो बाहर नहीं रह सकता है। भाई और बहनों, मेरा मन होगा, आज थोड़ा जल्दी भी हुआ, आप लोगों से बातचीत करने का मन भी था, लेकिन आज थोड़ा समय का तगादा है, मैं जरूर एक बार बालाजी का दर्शन के लिए भी आ जाऊंगा, और आप लोगों को भी दर्शन के लिए मैं दोबारा एक बार आ जाऊंगा, लेकिन तब तक संतोष मेघवाल जी हमारा एमएलए बनना चाहिए, ठीक है ना? बनेगा ना? बनाना है ना? तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, संतोष मेघवाल, संतोष मेघवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा थोड़ा हिंदी कच्चा कच्चा है, समझ तो ले लिया है ना? चलिए, कभी असम भी आना है कामाख्या का दर्शन करने के लिए, ठीक है? आप लोग मैं तो सलासर बालाजी आते ही रहता हूँ, आप लोगों को भी कामाख्या माँ का आना है, खाली संतोष जी को बोल दीजिए हम लोग आ रहा हूँ, बाकी व्यवस्था करने का जिम्मेदारी मेरा है, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। एमएन विश्व जिंदाबाद।